वेलकम बैक टू द चैनल वेल और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फूड फिडर के बारे में सो uh, so ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी यूजफुल होता है बेबी को जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो उस टाइम पे भी एंड उसके बाद भी तो मैं जिस फूड फीडर की बात कर रही हूँ वो है ये लव लैप का फूड फीडर ये स्क्वीज़ी फीडर है मतलब पूरा इसका जो मटेरियल uh, है ये सिल्कन का है और काफ़ी स्क्वीज़ी सा है और इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और बीबी फ्री मटेरियल है काफ़ी अच्छा मटेरियल है बेबी के लिए सेफ है कम्पलीटली और जो ये फूड फीडर है इसमें स्पून ऑलरेडी अटैच होता है तो इसको आप बहुत ही मैस फ्री फीडिंग आप इसको कह सकते हो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करती थी जब मैंने किया इसका सेमी सॉलिड स्टार्ट कर करी थी उसका ट्रांजिशन पीरियड था उस टाइम पे मैंने उसको ये बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ किया था और उसने काफ़ी अच्छे से इसको इंजॉय किया था और बहुत बार ऐसा होता है जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं स्पून फीडिंग करते हैं बेबी को बिकॉज इसीलिए आप उसको प्योरे वगैरह खिलाते हो किसी भी चीज़ का पॉर्ज खिलाते हो तो उस टाइम पर बेबी को फीड कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने उसको हाई चेयर पर बिठाया है और उसको स्पून से फीड करा रहे हो समटाइम बेबी को अगर आपने बाउल दिया है वो बाउल के फेंक सकता है मतलब गिरा सकता है मैसी कर सकता है और अगर आप स्पून से फीड करा रहे हो तो मे बी वो स्पून आपके हाथ से ले ले और अगर हाथ से ले ले तो पूरा मैसी मैसी सा बहुत ज़्यादा हो सकता है तो फर्स्ट कंसर्न तो है कि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है सेमी सॉलिड आपने स्टार्ट किया है और उसके बाद आप उसको ट्रांजिशन कर रहे हो सॉलिड की तरफ और उस टाइम पे भी अगर कोई प्योरी वगैरह जैसे सूप बना के दे दिया या फिर जूस बना के दिया या फिर पॉरेज फॉर्म में आपने दिया कुछ ऐसा जिसकी कंसिस्टेंसी जो हो थोड़ी थी हो तो उससे बेबी को चोकिंग होने की भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर कुछ ऐसा चला जाए जिससे चोकिंग हो जाए तो उस चीज उस टाइम पे भी ये फूड फीडर काफी हेल्पफुल रहता है बिकॉज इससे जो निकलेगा वो प्योरे फॉर्म में ही निकलेगा तो काफी अच्छा रहता है इजिली इसमें आप कुछ भी फील करके आराम से स्क्वीज करके बेबी को फीड करा सकते हो हाई चेयर पे बेबी को बिठा दिया उसके टॉयज भी थोड़े से सामने रख दिए और इससे आप फीड करा रहे हो तो काफी ईजी हो जाएगा आपका जो फीडिंग सेशन होगा बेबी के साथ वो काफी ईजी हो जाएगा तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट है आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सिलिकन का इसका मटेरियल है बीपीए फ्री है और काफ़ी अच्छा है एंड ये स्पून इसके साथ ही अटैच है उसमें छोटा सा होल है जिससे कोई भी प्योरे लिक्विड बाहर आता है एंड दो कैप इसके साथ दिए हुए हैं एक में छोटे छोटे होल हैं और एक कम्पलीटली प्लेन है और ये इसका रिंग है जो आपको अटैच करना होता है एंड देन एक डस्ट कैप भी दिया हुआ है इसको क्लीन करना भी काफ़ी इजी है नॉर्मल बॉटल जैसे आप क्लीन करते हो वैसे क्लीन कर सकते हो नॉर्मल जो बॉटल के ब्रश आते हैं उस, उसके साथ आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो एंड देन इस ढंग से इसको अटैच करना है और अकॉर्डिंग टू योर नीड अपने जो भी दो कैप दिए हुए हैं उनमें से किसी एक कैप का यूज़ करना है और जब बेबी फीड कर है तो ऑब्वियसली आपको होल वाले कैप लगाने हैं और अगर उसमें कुछ बच गया है और आपको वो स्टोर करके रखना है तो देन आपको वो नॉर्मल कैप लगाना है इस ढंग से आप उसको लॉक कर सकते हो और उसके बाद ये लीक प्रूफ भी है फिर तो मैं आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करके दिखा रही हूँ मैं मैंने इसमें कुछ प्यौरे डाले हुए हैं फॉरेज डाला हुआ है मैंने मूंग दाल फॉरेज डाला हुआ है और ये मैंने ये होल वाले कैप लगाए हैं एंड यू कैन सी कि मैं इसको काफ़ी सॉफ्टली स्क्वीज करूँगी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो फॉरेज है ये बाहर आएगा और इजिली आप बेबी को फीड करा सकते हो मेस फ्री है कोई भी चोकिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम कभी नहीं आ, 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 आएगी इस प्रोडक्ट के यूज़ करने से एंड देन uh, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा है बिल्कुल लीक प्रूफ है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बेबी कुछ खाया और कुछ बच गया उसको आपको रखना है तो उसको उसके लिए आप ये वाला कैप लगा के उसको ईजिली बंद कर दो एंड उसको रख सकते हो लीक प्रूफ है खराब नहीं होगा ऑब्वियसली वो यूज अंदर के प्रोडक्ट हैं तो वो आप आ, बाद में कभी भी फिर से बेबी को फीड करा सकते हो यू कैन सी कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं आता तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस फूड फिडर फ्रॉम लवलैप आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा या फिर लवलैप की वेबसाइट पे मिल जाएगा दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड यहाँ पर भी शो रहा हो रहा होगा तो आप लिंक के थ्रू जाके डेफिनेटली uh, इजिली uh, जाके बाई कर सकते हैं सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट विच यू रियली नीड जब भी आप बेबी का सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो सीमी सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इसकी नीड पड़ेगी आपको और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है तो डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट दैट्स ऑल अब दिस फूड फिटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यूजफुल लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और टेल्स तो मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हुए मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी बाय टेक केयर